मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में अगले महीने चुनाव होने हैं। यूपी की 2 मुख्य विपक्षी पार्टियां एसपी और बीएसपी इन राज्यों में चुनावी कवायद शुरू कर चुकी है। बेशक दोनों दल मुख्य मुकाबले में नहीं हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो के जरिए वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सपा ने एमपी के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो बीएसपी ने तेलंगाना के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अखिलेश यादव की आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश को लेकर कई वादे किए हैं। ये मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है एमपी के लिए। उधर बीएसपी की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी तेलंगाना के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसमें भी कई लोक लुभावने वादे किए हैं। मध्य प्रदेश के लिए सपा की घोषणा पत्र में क्या क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या वो घोषणाएं हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई एमपी को लेकर। पीडीए वर्ग आदिवासियों को हक दिलाएगी समाजवादी पार्टी। मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराएगी समाजवादी पार्टी। आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। पिछड़ों को 27% आरक्षण का ऐलान किया है सपा ने। महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना का ऐलान किया है। 10-90 की तर्ज पर रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा। मेधावी छात्रों को लैपटॉप देगी समाजवादी पार्टी। तो ये कुछ घोषणाएं हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई हैं अपने मैनिफेस्टो में। अब तेलंगाना की बात करते हैं, जहां के लिए बीएसपी की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। इसमें क्या क्या वादे किए हैं, क्या क्या घोषणाएं की हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला महिला श्रमिकों को स्मार्टफोन वॉशिंग मशीन देने का ऐलान किया है इस मैनिफेस्टो में। किसानों को स्मार्टफोन वॉशिंग मशीन का वादा किया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई है मैनिफेस्टो में। 10 लाख युवाओं को नौकरी का वादा किया गया है। भूमिहीन परिवारों को 1 एकड़ भूमि का वादा किया गया है। बेघरों को पक्का मकान देगी बसपा। तेलंगाना के लिए बसपा ने ये लुभावने वादे किए हैं। तेलंगाना के लिए बसपा ने पुरानी नीति को बदल दिया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, दोनों ही दलों ने अलग अलग राज्यों में उधर सपा ने एमपी में मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, तो इधर बीएसपी ने तेलंगाना में चुनाव को देखते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और इसमें कई वादे किए हैं दोनों ही पार्टीज ने। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही विशाल इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजय के पास आपको पहले लेकर चलते हैं। अजय, चूंकि समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कई लुभावने वादे भी किए गए हैं, लेकिन जो सियासी अहमियत नजर आती है वो किस तरह से आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब 27 से 28 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे सपा, हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है और समाजवादी पार्टी ने अब अपने मैनिफेस्टो की घोषणा भी कर दी है, पक्के वादे की घोषणा किया है। और समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये वो वादे हैं जो जनता को पूरी तरह से निभाए जाएंगे। इंडिया गठबंधन का जिस तरह से लोकसभा के लिए बनाया गया है, विधानसभा में कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के बीच और सपा के बीच कोई भी गठबंधन मध्य प्रदेश में नहीं, विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। करीब 1 दर्जन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और तमाम वादे किए हैं। कल कांग्रेस ने भी अपना वचन पत्र जारी किया है, अब सपा का भी वचन पत्र है, तो कमोबेश दोनों ही पार्टियों के एक मिलते जुलते वचन पत्र हैं। और मध्य प्रदेश में करीब 1 दर्जन जो विधानसभा सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कई सीटें ऐसी थीं जहां पर 144 जब कांग्रेस ने जारी किया, जहां पर समाजवादी की पैठ अच्छी थी, समाजवादी के लोग थे, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कई ऐसे इलाके हैं जहां आप जनता के बीच भी लगातार जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और वहां का जो सियासी माहौल है वो आप बेहतर तरीके से दर्शकों को बता पाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आती है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आपने जैसा अभी बताया कि 20 से 30 दिन का वक्त महज बाकी रह गया है चुनाव में, तो वहां जनता के बीच किस तरह की पैठ नजर आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में
अक्सर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है। 2018 की बात करें तो एक सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि मध्य प्रदेश का बॉर्डर इलाका आता है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का कुछ पैंठ है, 10 से 12 एक दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का असर है, उन स्थानों पर भी कांग्रेस। ऐसे में ये मैनिफेस्टो जारी करना कितना इम्पैक्ट डालेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अजय आपका बहुत शुक्रिया, विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल का रुख करते हैं। विशाल, चूंकि चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें जिसका जिक्र अभी अजय कर रहे थे, वहां की सियासी अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे थे, कितना वहां पर इस वक्त दबदबा दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, वो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बसपा की भी बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब एक्टिव दिख रही है, तेलंगाना को लेकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो उतनी सक्रियता नजर नहीं आ रही है। देखिए, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बसपा का कोई बहुत जनाधार नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टो में तमाम जो वादे किए गए हैं जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया गया है घोषणा पत्र में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तेलंगाना का घोषणा पत्र है वो क्या उत्तर प्रदेश में भी बसपा लाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर ज़रूर बसपा जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, लगातार कई दौरे जो हैं वहाँ पर प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश में भी बसपा जो है तमाम तरह की तैयारियां कर चुकी है, लेकिन तेलंगाना को लेकर ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, ये जो मुफ्त वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन का जिक्र किया गया है, ये आने वाले समय लोकसभा के लिए भी एक संदेश है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार अपने पीडीए फॉर्मूले पर ही कायम है, उसने जो मध्य प्रदेश में अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें इस बात का जिक्र किया है, लेकिन जो बसपा का जो मैनिफेस्टो है तेलंगाना के लिए वो अपने आप में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से एक मैसेज है, क्योंकि याद करना होगा कि जब आम आदमी पार्टी आई थी सत्ता में, तब उससे पहले उसने जो घोषणा पत्र जारी किया था वो एक बड़ा फैक्टर था, और यही वजह थी कि अब जब स्मार्टफोन और वॉशिंग मशीन देने की बात जो बसपा कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रयोग है। और अगर ये प्रयोग बसपा के लिए थोड़ा बहुत भी तेलंगाना में दिखाई पड़ता है, भले ही वो 3%, 4% या 2% ही हो, तो इसका नतीजा जो है ये सीधे तौर पर बसपा के थिंक टैंक पर दिखाई पड़ेगा, और थिंक टैंक को ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन या लैपटॉप की योजना, अखिलेश यादव जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने लैपटॉप बांटने की बात कही थी, उसके बाद स्मार्टफोन की रही, किसानों के कर्ज माफ़ी की योजना योगी सरकार लाई थी, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मुफ्त घोषणाएँ जो होती हैं ये चुनाव पर फ़र्क डालती हैं, और तेलंगाना में अगर ये प्रयोग सफल होता है तो बसपा का प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है, और इसके बाद के ज़्यादातर आसार दिखाई भी पड़ते हैं, तो अब देखना ये होगा कि वहाँ पर ये प्रयोग कितना सक्सेस होता है या नहीं होता। बिल्कुल, यानी फ्री पॉलिटिक्स करने की कोशिश कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती करती हुई नजर आ रही है तेलंगाना में, अगर देखा जाए इस मैनिफेस्टो में, क्योंकि महिलाओं को भी बात कही गई है सरकारी नौकरी की। लेकिन विशाल, अगर दूसरी तरफ हम समाजवादी पार्टी की भी बात करें तो अभी अजय ने एक बात का जिक्र किया था कि 10 से 12 सीटें हैं जहां पर थोड़ा प्रभाव जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश के अंदर भी जो कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं वो अगर कामयाब होती है तो 2024 में भी वहां से हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को फायदा जरूर मिल सकता है। विशाल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर इलाके हैं, जैसा कि हम रीवा की अगर हम उधर की बात कर लेते हैं, या हम इधर आगे बढ़ते हुए सागर की बात कर लेते हैं, तो तमाम ऐसे जैसे चित्रकूट से जुड़े हुए तमाम जो MP के जो ज़िले हैं, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में रखती है। क्यों? क्योंकि उनका लगता है कि उनका संगठन वहाँ पर मजबूत है, तो अगर वहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी बेहतर करती है तो इसका फ़ायदा उनको सभा में भी मिलेगा, क्योंकि